खुश आमदीद कहते हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं। बोस्निया के साबिक फौजी कमांडर राटको मलाडेज को 2 अशरों कबल बोस्निया में हजारों मुसलमान को नस्ल कशी और जंगी जराइम की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हॉलैंड के शहर दी हेग में वाक़े बैन अक़वामी अदालत इंसाफ ने बोस्निया के जंगी जराइम के ट्रिब्यूनल में 74 साल मलाश को सजा सुनाते हुए कहा है कि इन्होंने बोस्नियाई इलाके सरबरीका के कत्ले आम में अहम किरदार अदा किया था। इससे कबल अलामी अदालत इंसाफ ने पहले फैसला सुनाया था कि सरबरीका में 8,000 मुसलमान मर्द और नौजवानों को कत्ल जानबूझ कर किया गया, जिसे नस्ल कशी कहते हैं। तहम बुध की समाअत में जज अल फनूस ने कहा है कि मुजरिमों ने जो जुर्म ढाए उनका मकसद वहाँ मुसलमानों का खात्मा था। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि मलाश ने बोस्निया के शहर सरावियों में मुसलमानों पर गोलाबारी और इन्हें घात लगा कर मारने की तमाम अमल की निगरानी खुद की थी। ये जराइम इंसानियत के खिलाफ संगीन तरीन जराइम में से एक है। सजा सुनाते ही राटको मलाश अदालत में शोर मचाने लगे, जिस पर उसे कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया और इनकी अदम मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। इस वाक्य पर अदालत ने बाहर साबिक योगोस्लाविया में कत्ल होने वाले मुसलमानों के लवाकीन अपने प्यारों की तस्वीर के साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि 7,000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। ताहम अदालत ने मलाश को दीगर शहरों में होने वाली नस्ल कशी का जिम्मेदार नहीं ठहराया, जिनमें प्राई हेडोर का इलाका भी शामिल है, और इस फैसले पर मुतासरीन ने गम गुस्से का इजहार भी किया। इस मौके पर एक शख्स ने बताया कि प्राई हेडोर में 3,170 अफराद मारे गए थे, जो नस्ल कशी के जमरे में आता है। बाद अदा इसी इलाके में बोस्निया की सबसे बड़ी अज्तमाई कबर भी दरियाफ्त हुई थी। वाजह रहे कि रानको मलाश को दुनिया भर में बोस्निया का कसाई कहा जाता है। 90वीं दहाई में इसी की सरबराही में सर्बिया की फौज ने हजारों मुसलमानों को कत्ले आम और खवातीन की आबरू रेजी की थी। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। डीजी केडीएस सभी सिद्दीकी और एडिशनल डायरेक्टर जमीर बलोच की जानिब से अवाम के बाद अदालत को भी धोखा देने का कोशिश। अदालत के तलब करने के बावजूद दोनों अफसरान गैर हाजिर रहे। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं न्यूज प्लस के ब्यूरो चीफ नदीम इब्राहिम अपनी इस रिपोर्ट में। जहाँ जहाँ करप्शन है उसे बेनकाब करना न्यूज प्लस का मिशन है, और इस हवाले से जो भी शख्स बासर है उस पर न्यूज प्लस की नजर है। धोखा, बदउनवानी, करप्शन और लूट मार के बाजार में बाजी ले जाने वाला महकमा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी KDA। KDA में बदउनवानी, धोखा दही और लूट मार का बाजार गर्म करने वाले बनिए हैं DJ KDA समी सिद्दीकी और एडिशनल लैंड डायरेक्टर जमील बलोच। इन अफसरान की चालाकी और शातिर दिमागी का कोई सानी ना होगा। आवाम को धोखा, इदारों को धोखा और आज अदालत को भी धोखा दे दिया। स्पेशल कोर्ट सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट की जानिब से दोनों अफसरान को आज 22 नवंबर 2017 बरोज बुध तलब किया गया था। दोनों मुलजिमान को मुकदमा इल्जाम नंबर 6/17 जेरे दफा 8 सब सेक्शन 1 के तहत तलब किया गया था, मगर ढिटाई की बुलंदियों पर फाइज डायरेक्टर जनरल KDA समी सिद्दीकी ने आने की जहमत ना की और अपने वकील के जरिए अदालत में फक गैर हाजिरी की दरख्वास्त जमा करा दी। जबकि DG KDA से भी एक कदम आगे जमील बलोच ने वकील के जरिए अदालत को ये पैगाम दिया कि वो हाई कोर्ट में पेशी के बाइस स्पेशल कोर्ट में हाजिर ना हो सके, मगर स्पेशल कोर्ट भी गालिबन जमील बलोच की चलाकियों को समझती है। मौजिज जज ने जमील बलोच को हुक्म जारी किया कि वो 9 दिसंबर के दिन हाई कोर्ट में पेशी का सबूत लेकर हाजिर हो। न्यूज प्लस को बाखबर जराए से मालूम हुआ है कि जमील बलोच स्पेशल कोर्ट में हाजिरी के वक्त हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सिविक सेंटर में अपने ऑफिस में ही मौजूद थे। अब देखना ये है कि मुतनाजा एडिशनल डायरेक्टर लैंड जमील बलोच झूठे हेले और ढिटाई की रविश पर कायम रहते हुए कब तक अदालत को चकमा देने की कोशिश करेंगे। न्यूज प्लस ब्यूरो चीफ नदीम इब्राहिम कराची। और अब एक अहम खबर। कराची के इलाके लियारी मूसा लैंड में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हवा में उड़ा दिए। KDA महकमा मौसमियात के थर्स बरस्ती करने में सबसे आगे है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। धोखा,
बदउनवानी, करप्शन और लूटमार के बाजार में बाजी ले जाने वाला महकमा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी केडीए। कराची के इलाके लियारी मूसा लेन में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हवा में उड़ा दिए। केडीए का महकमा कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने लगा। अदालती हुकुम के मुताबिक लियारी मूसा लेन में ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स बनाने की इजाजत है, मगर केडीए के साए तले कब्जा माफिया धड़ल्ले से गैर कानूनी 14 मंजिला प्लाजा बनाने में मसरूफ अमल है। इस पूरे गैर कानूनी खेल में केडी अफसरान के अलावा सिंध पुलिस का आला अफसर भी पार्टनर है, जो इन गैर कानूनी तामीरात की निगरानी कर रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से इंसाफ के मुंतजरीन ये अपील कर रहे हैं कि इस गैर कानूनी तामीर को रोका जाए और तमाम जिम्मेदारान को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि अदालत उज़्मा के अहकाम पर मनो अन अमल दरामद मुमकिन बनाया जा। और रोमानवी हीरो वहीद मुराद ने अपनी फनी सलाहियतों से पाकिस्तान इंडस्ट्री पर राज किया। चॉकलेटी हीरो की 34वीं बरसी पर उनकी चंद यादें ताजा कर रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट पे। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर। इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की आज 34वीं बरसी मनाई जा रही है। वहीद मुराद जैसा रोमानी हीरो सदियों में पैदा होता है। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। वहीद मुराद ने 60 की दुहाई में फिल्म औलाद से अपने कैरियर का शुरुआत की। पहले 3 फिल्मों में मामूली किरदार अदा करने के बाद फिल्म हीरा, पत्थर और अरमान से एक चॉकलेटी हीरो इस मुल्क को मिल गया। वहीद मुराद ने अपने कैरियर में दर्जनों कामयाब फिल्में की, जिनमें अंधनी, मस्ताना माही, नागमनी और बहुत सी कामयाबी फिल्में भी हैं। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। दर्जनों फिल्मों की कामयाबी के बाद वहीद मुराद ने अपने आखिरी लम्हात परेशानी में गुजारे। पंजाबी फिल्मों की कामयाबी के बाद इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में नजरअंदाज कर दिया गया, जिसका दुख इन्हें कब्र के अंधेरों में ले गया। वहीद मुराद 23 नवंबर 1983 को इस दुनिया फानी रुखसत हो गए। आज वो हम में नहीं है, मगर इनका काम और अदाएं आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है। वहीद मुराद की बरसी के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसी का इनाकात किया गया। इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newstimes.com.pk। हमारे साथ रहिएगा। इब्तिदा।